students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Now, today I am going to teach Standard 9, Chapter number 5, the Fundamental Unit of Life. ये जो chapter है, वो biology का chapter है, okay? और हम आज पढ़ेंगे chapter number 5, which is the Fundamental Unit of Life. क्या है हमारी Fundamental Unit of Life? Yes, हमारी Fundamental Unit of Life क्या है? Cell. सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दी बॉडी. हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द फर्स्ट पॉइंट इज इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द स्लाइस ऑफ कोक थ्रू सेल डिफाइंड माइक्रोस्कोप. 1665 में रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट है, उसने जो प्लांट होते, ट्रीज होते, उसकी जो छाल होती है, कोर्क मतलब क्या होता है, छाल, उसका जो छिलका होता है, उसमें से एक छोटा सा स्लाइस लेके उसको एग्जामिन किया था. किससे एग्जामिन किया था? सेल्फ डिफाइंड माइक्रोस्कोप से. सेल्फ डिफाइंड माइक्रोस्कोप मतलब वो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था. उसके जब उन्होंने ये कोर्क के स्लाइस को एग्जामिन किया तब उन्होंने ऐसा कुछ देखा माइक्रोस्कोप में. माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि कुछ हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा है. हनीकॉम्ब मतलब क्या होता है? जो हनी बीज का छत्ता होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हनीकॉम्ब. तो हनीकॉम्ब जैसा हमको दिख रहा था. इट लुक्स लाइक अ हनीकॉम्ब कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपार्टमेंट. वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट हमको देखने को मिले. देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना दिया है कैसे उन लोग उनको स्लाइस में देख रहा था. और यहाँ पे जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट उनको छोटे छोटे होल्स जैसे उसमें दिख रहे थे. उन्होंने उसका जो छोटे छोटे होल्स जैसे कंपार्टमेंट दिख रहे थे उन्होंने उसका नाम दे दिया सेल. सेल एक लैटिन वर्ड है. कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड. सेल का मतलब होता है अ लिटल रूम, एक छोटा सा रूम. जो वो पूरा हनीकॉम स्ट्रक्चर दिख रहा था उसमें से एक छोटा रूम जैसे पार्ट को उन्होंने नाम दे दिया सेल. और सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सब किससे बने हुए? सेल से. बिकॉज द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ. ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हो किससे बने हुए, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी 5.1 में हम क्या लेंगे? एक छोटा सा ऑनियन पील लेंगे. ऑनियन, जो भी ऑनियन होता है उसका जब आप एक स्लाइस देखोगे तो उसके जो कॉन्केव सरफेस होता है वहां से हम छोटा सा स्कीन निकालेंगे. पतली पॉलीथिन जैसी वो स्कीन दिखेगी. वो स्कीन लेके हमको क्या करना है? पहले वॉच ग्लास में, वॉच ग्लास होता है उसमें पानी डाल के उसको डालते ताकि वो गीला रहे, वो सूखे नहीं, ड्राई ना हो जाए. उसके बाद एक ग्लास स्लाइड लेनी. ग्लास स्लाइड के ऊपर वो क्या लेना है? हमारा ऑनियन पील लेना है. ऑनियन पील हमें हमेशा आप लोग उठाओगे तब उसको आराम से उठाना ताकि वो वहां पे छेद ना हो जाए. वहां पे ऑनियन पील रखना है और उसके बाद उसके ऊपर एक या दो ड्रॉप हमको सेफ्रेनिन सॉल्यूशन के डालने हैं. सेफ्रेनिन सॉल्यूशन क्या करेगा? हमारा स्टेनिंग एजेंट का काम करेगा. हम एक दो ड्रॉप सेफ्रेनिन सॉल्यूशन के डालेंगे. उसके बाद हमको जो कवर स्लिप डालना है, कवर स्लिप या तो राउंड शेप की होती है या तो स्क्वायर शेप की होती है. उसके ऊपर जब हम कवर स्लिप डालेंगे तब ये बात ध्यान रखना है कि वहां पे कोई एयर बबल्स ना आ जाए कवर स्लिप डालने के टाइम पे. कवर स्लिप डालने के बाद हमको उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उसको मेजर ऑब्जर्व करना है. जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम उसको फाइन एडजस्टमेंट करके, थोड़ा जूम करके, उसको मैग्नीफाई करके हम जब ऑब्जर्व करते हैं तब हमको स्लाइड में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. जब स्लाइड में हम ऐसा देखेंगे इसका मतलब है यहाँ पे बहुत, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे. ये कंपार्टमेंट का नाम है सेल. ओके, ये एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? सेल. अब सेल में कौन कौन सी चीजें होती है? जो उसकी अंदर सेंट्रली बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जो ब्लैक कलर का डॉट मैंने दिया है, दैट इज द न्यूक्लियस. ओके, उसके आसपास जो सराउंडिंग जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म. जो जेली लाइक सब्सटेंस है, हर न्यूक्लियस के आसपास जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म. एंड आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, हर सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन. तो ये पूरा है जो हमने ऑनियन पील का सेक्शन लिया था, वो सेक्शन को जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया तब हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. तो ये थी हमारी एक्टिविटी 5.1. नाउ स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 5.2.
था। तो ऐसे सेम हमको अलग अलग स्लाइड प्रिपेयर करनी है। किस किस चीज की प्रिपेयर करनी है? हमको ऑनियन की लीफ की, जो ऑनियन होते हैं उसके लीफ के अंदर से सेक्शन लेके एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है, उसके रूट पोर्शन में से एक सेक्शन लेके स्लाइड प्रिपेयर करनी है, और ऑनियन पील की भी हम वापस से स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। अलग अलग स्लाइड को हम फिर माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे। जब हम एग्जामिन करेंगे तो क्या हमको ये सारे क्वेश्चन के फिर हमको आंसर देने हैं, तो हम क्या देखेंगे, डू ऑल सेल लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? क्या हर जितने भी पार्ट्स है प्लांट के, ऑनियन के जो लीव्स थे, रूट थे, सबके क्या सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सॉरी शेप एंड साइज थे? नहीं, सबके शेप एंड सबके साइज में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, डू ऑल सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या सब सेल के स्ट्रक्चर सेम होंगे? नहीं, सब सेल के स्ट्रक्चर शेप नहीं होंगे। बट हाँ, अगर एक सेक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग रूट का सेक्शन ले रहे हो या तो फिर लीव का सेक्शन ले रहे हो, तो ऑलमोस्ट हमको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बट हर स्लाइड में हमको स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को मिलेगा। नाउ थर्ड, कुड वी फाइंड डिफरेंस? क्या हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा? यस, हमको शेप में डिफरेंस देखने को मिलेगा, साइज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, और साथ में हमको स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। व्हाट सिमिलरिटीज कुड बी फाइंड? वहां पे हमको हर स्लाइड में कौन कौन सी सिमिलरिटीज देखने को मिली? सिमिलरिटीज ये देखने को मिली कि हम कोई भी सेक्शन लेंगे, या तो हम लीफ का सेक्शन लेंगे, रूट का सेक्शन लेंगे, या कोई भी सेक्शन लेंगे, या ऑनियन पील का हम स्लाइड बनेंगे। जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे, तब एक चीज सिमिलर दिखेगी कि हर सेल के अंदर हमको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एंड आउटर बाउंड्री दैट इज द सेल मेम्ब्रेन भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये सिमिलरिटीज हमको हर स्लाइड में देखने को मिलेगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, तो हम वो वन बाय वन देखते जाएंगे। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दैट इज द स्मूथ मसल सेल। जो हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं उसमें ऐसी टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, स्मूथ मसल सेल। ये किसके लिए काम आते हैं? ये कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में काम आते हैं। नाउ सेकेंड, ये जो डोनट शेप के सेल्स दिख रहे हैं आपको, ओके, राउंड शेप के स्फेरिकल सेल, दैट इज द ब्लड सेल। ये कौन से सेल से? ब्लड सेल से। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द नर्व सेल। हमारे बॉडी में जो बॉडी टू ब्रेन जो मैसेज पास हो रहा है, कोई भी काम जब करते हैं, वो मैसेज पहले कहाँ पास होता है? ब्रेन में पास होता है। तो वो ब्रेन में मैसेज पास करने का काम कौन करता है? नर्व सेल्स। तो ये पूरा जो देख रहे हो, दैट इज द नर्व सेल। ओके, यहाँ पे जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो सेल का देख रहे हैं, दैट इज द ओवम। ओम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, नाउ ये जो आप लोग ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज द बोन सेल। हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें इस टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, और बोन्स सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट भी बोल सकते हैं। ऑस्टियोसाइट क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टियो? ऑस्टियो मींस बोन एंड साइट मींस सेल। तो बोन सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स भी बोल सकते हैं। और हमारा जो लास्ट सेल है, दैट इज द फैट सेल। हमारे बॉडी में जहां जहां फैट प्रेजेंट होता है, वहां ऐसे सेल्स देखने को मिलते हैं, और फैट सेल को हम एडिपोसाइट्स भी बोल सकते हैं। एडिपो मींस फैट एंड साइट मींस सेल। तो एडिपोसाइट मींस इट इज द फैट सेल। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए, वो आप लोगों को ड्रॉ भी करने और उसको नेम देने, क्योंकि ये अलग अलग सेल्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। नाउ स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या डिफरेंस है? नाउ व्हाट इज यूनि? यूनि मींस सिंगल। जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एंड मल्टी मींस मोर देन वन और टू। जिसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। पहले हमको ऐसे टेबल बनाना है और हमको डिफरेंस लिखना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दोनों के बीच में डिफरेंस हमको देना है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल।
जितने भी फंक्शन वहां पे परफॉर्म करने हैं, फॉर एग्जांपल वहां पे डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, या तो ट्रांसपोर्टेशन करना है, या इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट कोई भी सब्सटेंस का करना है, जो भी जितनी भी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, जितनी भी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस एक ही सेल करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। ओके, और एंड इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, उनकी जो लाइफ स्पैन, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है। ओके, और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दे दिया है अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। आप लोगों को आइडिया है अमीबा क्या होता है, पैरामीशियम क्या होता है एंड बैक्टीरिया। तो ये सारे एग्जांपल है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स के। नाउ व्हाट इज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? पॉइंट नंबर वन, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, उसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट सेल परफॉर्म और डिफरेंट फंक्शंस। वहां पे जितने भी अलग अलग पार्ट बॉडी के पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल मसल है, तो मसल सेल्स का अलग फंक्शन है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा। अगर वहां पे बोन्स है तो बोन्स सेल्स का अलग फंक्शन है, क्योंकि वो हमको बॉडी को बैलेंस करने में या तो फिर हमको एक पूरा स्ट्रक्चर देने में काम आता है। वैसे ही ब्लड सेल्स है तो ब्लड सेल्स का कोई अपना अलग काम है। तो हर बॉडी के पार्ट में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, तो अलग अलग सेल्स का अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होता है। वहां पे लिखा है एंड इट्स लाइफ स्पैन इज नॉट लेस, इट इज लॉन्ग। यहाँ पे इनकी लाइफ स्पैन कैसी होती है? लॉन्ग होती है। जो भी हमारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स है उसकी लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है। उसके एग्जाम्पल्स है एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स। ह्यूमन बींग भी एग्जाम्पल दे सकते हैं मल्टीसेल्युलर में, एनिमल्स को भी हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और जितने भी प्लांट्स है वो भी हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये टेबल आप लोगों को ड्रॉ करना है और फेयर बुक में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सेल किस किस से बना है और सेल का स्ट्रक्चर पूरा कैसा दिखता है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। जितने भी सेल्स है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हर सेल के अलग अलग फंक्शन है। मतलब हर सेल के एक्सचेंज, वो कौन कौन से काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब CO2 और O2, और CO2 को वो रिलीज करता है, O2 को अंदर आने देता है, तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करता है। ओके, सेकंड इज डाइजेशन। वहां पे जो कॉम्प्लेक्स फूड आता है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सेल के अंदर आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इसका है, सेल का। एंड वहां पे एब्जॉर्प्शन, कोई भी जो इम्पोर्टेंट मटीरियल है, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट एसेंशियल है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करता है? सेल करता है। तो ये सारे अलग अलग सेल्स के फंक्शन है। यहाँ पे सेल मैंने एक स्लाइड ड्रॉ की है जहां पे मैंने सेल्स कैसे दिखते हैं वो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। उसके तीन मेन कंपोनेंट है। यहाँ पे जो सेंट्रली बाउंड स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ओके, और उसके जो साइड में जो बाउंड्री दिख रही है ब्लैक कलर की बाउंड्री, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे जो न्यूक्लियस के आसपास जो आप लोगों को जेली लाइक सब्सटेंस देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर है वो मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल है। जब भी आप लोगों को पूछे मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल, तो तीन ही होंगे। क्या होगा? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी बहुत, सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को हर ऑर्गेनल्स को डीप में समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड हाँ, ये इसके रिलेटेड, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रिलेटेड भी आप लोगों को एक वर्कशीट मिलेगी जो आप लोगों को सॉल्व करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।